हरे कृष्णा। आज हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताएंगे कि इस संसार में लोग भगवान से नहीं जुड़ने के कारण कैसे दुखी और सुखी हैं। एक बार इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद इंग्लैंड में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते पार्क के बीच में अचानक श्रीला प्रभुपाद रुक गए तो उनके डिसाइबल जो भक्त थे उनसे श्रीला प्रभुपाद ने पूछा कि यहाँ पर एक तरफ सूखी घास है जिसको कीड़े लगे हैं पार्क में, और दूसरी तरफ हरी भरी घास है जो पूरा तरोताजा लग रही है और सुंदर लग रही है, ऐसा क्यों है? तो मनी मन भक्तों ने देखा कि सोचा, विचार किया कि श्रीला प्रभुपाद इसका क्या उत्तर चाहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद कुछ समय तक तो चुप रहे, कुछ बोला नहीं, और कुछ समय के बाद श्रीला प्रभुपाद मुस्कुराते हुए बोले, स्वयं प्रभुपाद बोलने लगे कि जो ये सूखी घास है जिसको कीड़ा लगा है, इसके पास पानी नहीं है और ये सूख गया है, और दूसरी तरफ वो घास जो हरा भरा है, तरोताजा लग रहा है, निराला लग रहा है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, उसकी जड़ें जमीन में नीचे तक जुड़ी लगी हुई है। तो श्रीला प्रभुपाद ने एक सिंपल उदाहरण के द्वारा बताया और समझाया भक्तों को कि इसी प्रकार इस संसार में जीवों का भी यही हाल है, आत्माओं का भी यही हाल है, जो भगवान से नहीं जुड़े हैं वह सूखी घास के समान हैं, और वो लोग जो भगवान से जुड़े हैं इस हरी भरी घास के समान हैं, और वो खुश हैं क्योंकि उनकी जड़ें भगवान से जुड़ी हैं, अर्थात वो भगवान से जुड़े हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देके बताया कि यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में हरियाली आती है, एक उत्साह आता है, और हम हमेशा खुश रह सकते हैं, और हमको देख के भी दूसरे व्यक्ति भी खुश हो सकते हैं। हरे कृष्णा।